दोस्तों, यूएई वर्सेस यूएसए के बीच होने वाला है आज का दिन का मैच, पहला मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू का। एक और भी मैच होगा, वो भी हम लोग कवर करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू का। बट इस मैच में यूएई वर्सेस यूएसए खेलेंगे। मैं थोड़ा सा ना आपको इंटरनेशनल स्टेटस बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं शुरू में बताना चाहूँगा। यूएसए का इंटरनेशनल रैंकिंग 18 है, यूएई का 20 है, ठीक है? अभी करेंट इंटरनेशनल रैंकिंग, तो आपको लगेगा कि ये मैच बराबर है। अब अगर इनका लास्ट 5 मैच भी देख लेते हो, जो 2022 से 2023 तक खेला गया, 1.5 साल के बीच, जहाँ पे दोस्तों यूएसए ने 2 जीता, यूएई ने 2 जीता और 1 मैच एबंडन, तो यहाँ पे भी आपको देख के लगेगा कि ये मैच बराबर है। बट जो सबसे क्रूशल पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ना यूएसए बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है एंड मुझे लगता है इनको ये मैच में डोमिनेट करना चाहिए। स्पेशली अगर चेस करता है तो वन साइडेड हो जाएगा। अगर यूएई बैट फर्स्ट करते हैं तो मुझे लगता है 220 के करीब रन बन सकता है या फिर कम भी बन सकता है। बट यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगा तो थोड़ा ज़्यादा रन बन सकता है। दोस्तों, इन डेप्थ कवर करेंगे दोनों ही टीम के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। ये सीरीज अब तक हमारे लिए बहुत तगड़ा रहा है, होप फ्यूचर में भी अच्छा जाए। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और अगले मैचेस के कवरेज अपडेट्स एंड डेमो टीम के लिए जुड़ सकते हो टेलीग्राम। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक ऐड कर दिया टेलीग्राम चैनल का। अब आते हैं एनालिसिस सेक्शन में। विंडवीक वंडरर्स 220 से 250 एवरेज स्कोर है। मैं ना जो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, दोस्तों देखो, ये जो पिच है ना, ये पिच में इनिशियली बैटिंग करना थोड़ा टफ है, बट लेटर ऑन सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग ईजी हो जाता है। इवन फर्स्ट इनिंग्स के भी दोस्तों एंडिंग में ना, इनिंग्स में बैटिंग करना ईजी हो जाता है इस ग्राउंड पे, ठीक है? कीप इट इन माइंड, मतलब इनिशियली ज़्यादा टफ होगा और डेफिनेटली जितना टूर्नामेंट आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिचेस नहीं है तो पिच थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। मोहम्मद वसीम, ओपन विथ आर्यन शर्मा, फिर अलीशान शराफू, विष्णु सुकुमारन होंगे दोस्तों, और राहुल चोपड़ा, बसिल हमीद, प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर। अगर ये टीम देखते हो दोस्तों, बहुत हद तक बैटिंग मोहम्मद वसीम के ऊपर डिपेंडेंट है। ओडीआई में 27 का एवरेज, थोड़ा सा ओडीआई में हाथ ढीला है इनका। T20 रिसेंटली बहुत तगड़े फॉर्म में नहीं थे, बट इस वेन्यू में क्या ही रिकॉर्ड है, 53 का एवरेज, 5 इनिंग्स में 266। देखो, ये एक ऐसे प्लेयर है जिनको हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, बट जिनको रिस्क टेकर, जो रिस्क लेना चाहते हो, वो फर्स्ट इनिंग्स में अगर बैटिंग हुआ तो थोड़ा सा रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हो। अगर इनिशियल पेसेस को सपोर्ट मिला तो मुश्किल होगा, अदरवाइज एक क्वालिटी बैटर है, एज अ सेफ ऑप्शन SL में लेके चलना सही है। बॉलिंग बहुत कम कराता है, तो एकदम से ODI में तो सिर्फ 9 ओवर डाल के रखा है। आर्यन शर्मा, ये अच्छा प्लेयर है, टॉप में खेलेगा, ओपन करेगा, 7 मैच, 19 का एवरेज, 136, थोड़ा सा स्लो खेलता है बट अगेन पकड़ के खेल सकता है। डोमेस्टिक में ना इन्होंने 200 मार के आ रहा है, बट यहाँ पे इंटरनेशनल में बहुत अलग क्वालिटी बॉल फेस करना पड़ेगा, स्पेशली यूएसए से दोस्तों ना क्वालिटी बॉलर्स आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। सौरभ नेत्राबलकर है पावर प्ले में, अलोंग विद दोस्तों ड्रिजडेल रहेंगे, वन डाउन जसदीप सिंह, और अगर स्कैल्विक आ जाते तो दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा बैटिंग करना। तो फिलहाल आर्यन शायद मस्ट पिक नहीं है, ओपोनेंट से 2 विकेट कीपर है हम लोग जिनको रख सकते हैं, तो फिलहाल एज अ प्लेयर बैक करना है तो मैं बोलूँगा कि ग्रैंड लीग में ही करना, कैप्टन तो मत ही बनाओ। अलीशान शराफू रिसेंट T20 आइस में अच्छा खेला, रिसेंटली T10 खेल के आ रहा है, जहाँ पे 21, 2 विकेट, 26, 42, 73 एक अच्छे फॉर्म में थे। इवन उससे पहले T20 आइस में भी बहुत तगड़े फॉर्म में थे। ODI में 14 का एवरेज है करियर में, बट रिसेंटली एक इम्प्रूव्ड प्लेयर है, अगर टीम चेस कर रहा है यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस, कैचेस भी ले लेते हैं स्पेशली वेल चेजिंग। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इनिशियली पावर प्ले में बैटिंग बॉलिंग है ना, उसको फेस करना ज़्यादा मुश्किल होगा, मिड ओवर में रन बनेंगे, चेजिंग में और ज़्यादा रन बनेगा। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अगर स्कैल्विक खेलते हैं जो मिड ओवर में बॉलिंग करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा, अदरवाइज बहुत हद तक अगर विकेट टेकर में बोलूँ, टीम बॉलिंग तो अच्छा है यूएसए का, बट उनका ना पावर प्ले में बेसिकली विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको दिखेंगे वो है सौरभ नेत्रावलकर। अगर उनको खेल लिया या फिर उनका कुछ बॉल नेगोशिएट कर लिया तो दोस्तों अलीशान अच्छा रन बना सकता है, ठीक है? जसदीप और डिजिटल भी ठीक ठाक है, बट सबसे अच्छा विकेट टेकर है नेत्रावलकर, और शायद अगर खेला तो स्कैल्विक रहेंगे। विष्णु सुकुमारन ODI में 2 मैच 17 रन 2 ओवर विकेट 0, मिल ओवर बहुत वीक है, बहुत वीक। राहुल चोपड़ा ODI में 3 मैच 13 का एवरेज 37, दोनों का बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं है इवन करियर में या फिर डोमेस्टिक वनडे में। देखो, राहुल चोपड़ा का 86 का एवरेज है, बट इससे पहले जितना मैचेस खेला है दोस्तों इसने,
इंटरनेशनल में कुछ भरोसा देने लायक प्लेयर नहीं है, बट डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा अच्छा फॉर्म में है ये बंदा कि टीम इसको ट्राई कर रहा है एक बार फिर से। तो ये थोड़े से मिक्स वाला प्लेयर है, एकदम से ग्रैंड लीग में यूज़ करो, एसएल में तो नहीं, इवन मिनी जेल में भी इग्नोर कर सकते हो। बसिल हमीद 40 मैच 878 रन 189 ओवर 37 विकेट, बॉल फर्स्ट तो छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि कभी कभार ना ये बॉलिंग डाल जाता है और लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डालना चाहता है, प्लस आपको बैटिंग से भी 24-25 के एवरेज से रन बनाते हुए दिखा है। तो ऐसा प्लेयर ले सकते हो, बट मस्ट बी प्लेयर नहीं है, कैप बीसी तो नहीं है। अयान खान ये एक बढ़िया कैप्टन है, बट बॉल फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे ये टीम स्लाइटली वीकर लग रहा है। 28 मैच में ओडीआई मैच में 37 विकेट है, अच्छा विकेट टेकर, 545 रन, एक एंड पकड़ के खेलना जानता है, स्लो खेलते हैं बट यार कंसिस्टेंट है अयान खान, बैट या फिर बॉल। रिसेंटली डोमेस्टिक T20 वगैरह खेल के आ रहे हैं, बट क्वालिटी वाइज अच्छा है। वेन्यू में 5 इनिंग्स में 137 का एवरेज, 137 रन, 40 ओवर 7 विकेट, अच्छा रिकॉर्ड भी है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। सेकेंड मैच है सेम वेन्यू, मुझे लगता है पिच में स्पिन होगा थोड़ा बहुत, स्पेशली मिडल ओवर्स में। अली नसेर बॉल फर्स्ट हुआ तो ले लेना, नंबर ऑफ बॉलर देख सकते हो, डेथ में आते हैं, 9 मैच ओडीआई में 204 रन 71 ओवर 10 विकेट, प्लेयर ठीक ठाक है, कई कबार ओवरकट होते हैं बट नंबर ऑफ बॉलर देख के यूज़ कर सकते हो। मोहम्मद फारूक लेग स्पिन बॉलर, T20 मैच में 6 मैच 21 ओवर में 8 विकेट। क्या होता है कि ना मैंने अक्सर नोटिस किया ओडीआई में ना लेग स्पिनर्स तो अच्छे होते हैं बट उनका ना लाइन लेंथ कभी कभार बिगड़ जाता है, तो ऐसे में दोस्तों ओवरकट हो सकते हैं इनके, कीप इट इन माइंड। मोहम्मद फारूक फिलहाल के लिए मस्ट बी प्लेयर नहीं रहेंगे मेरे टीम में। जुनैद सिद्दीकी अगर सजेशन दूँ तो ओडीआई मैच है, बॉलिंग फर्स्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि पावर प्ले में थोड़ा बहुत स्विंग मिल सकता है, लेटर ऑन डेथ में करेगा और लोअर ऑर्डर हार्ड हिटिंग कर लेता है। 46 ओडीआई मैच में 103 रन 354 ओवर में 64 विकेट, बढ़िया विकेट टेकर है, रिसेंटली डोमेस्टिक में भी ठीक ठाक फॉर्म में थे, ये एक विकेट टेकर है। वेन्यू में 5 इनिंग्स में 9 विकेट, बॉल फर्स्ट बहुत ज़रूरी है। जवदुल्ला ये बंदा पावर प्ले में बॉलिंग करेगा अलोंग विद दोस्तों जुनैद सिद्दीकी, ये भी डेथ में आता है, 5 ओडीआई मैच में 6 विकेट, इंप्रूव्ड प्लेयर, डिफेंशियल है, बॉल फर्स्ट यूज़ कर सकते हो। ओपनिंग बॉलिंग डेथ बॉलिंग कौन करेगा मैंने लिखा नहीं, बट बताना चाहूँगा जुनैद जवदुल्ला पावर प्ले में करेंगे, डेथ में जुनैद जवदुल्ला और अली नसेर करते हुए आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे बेंच में प्लेयर बैठे हुए सैयद हैदरशाह, T20 मैच में 5 मैच में 32 रन 32 का एवरेज से, वनडे में 28 का एवरेज, 360 रन 14 मैच में। उमित रहमान 4 मैच 12 ओवर 5 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट डिफेंशियल ले सकते हो, बॉल सेकंड ज़रूरत नहीं है। ओडीआई मैच में 14 मैच में 35 विकेट, डोमेस्टिक में बहुत अगड़े परफॉर्मेंस देके आ रहे, 14 डोमेस्टिक मैच वन डे में 35 विकेट, क्या चाहिए। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। राहुल भाटिया एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 3 ओडीआई मैच 19 ओवर 2 विकेट। देखो अगर अयान खान खेलता है तो इनका इंपॉर्टेंस, अगर खेलता है तो भी लेस होगा, अगर नहीं खेलता है खेलना तो नहीं चाहिए। अगर अयान खेलता है T10 मैच में 2000, अगर अयान नहीं खेलता है तो डिफरेंशियल ले सकते हो। यूएसए आते हैं जिन्होंने पहला मैच जीता है, उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, जुड़ से आओ, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। समीर अलोंगवित मुदानी ओपन करेंगे, मोनांग पटेल, फिर मुक्का मल्ला, फिर मिलिंद कुमार, शाहान जहांगीर होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से स्मिथ पटेल 44 का ओडीआई में एवरेज है, 4 इनिंग्स में 174, एक एंड पकड़ के खेलना जानता है, लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ है बट अच्छा प्लेयर है और विकी कर रहा है बंदा, डिफेंशियल ले सकते हो, इंडिया के लिए अंडर-19 खेल चुके हैं। सुशांत मुदानी लास्ट मैच में 36 का, स्लो इनिंग्स था बट यार इंपॉर्टेंट इनिंग्स था, अगर चेस करता है टीम यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। 27 का ओडीआई एवरेज है, एक एंड पकड़ के खेलना जानता है, वेन्यू में 23 का एवरेज है, 10 इनिंग्स 243 रन। मोनांग पटेल जिसका वेन्यू में 27 का एवरेज है, 11 इनिंग्स 340, जब ये इनिंग्स खेलते हैं ना बड़े इनिंग्स खेलते हैं, ओडीआई में देखो इनके बड़े इनिंग्स, तो ऐसे प्लेयर को अगर आप छोड़ते हो और ये सीधा बड़ा इनिंग्स खेल जाता है तो हम लोग फंस सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मोनांग को बैक करना, मोनांग को ग्रैंड लीग में कैप बीसी बना दो, जब बना सकते हो, जब ये खेलते हैं ना बहुत बड़े इनिंग्स बनाते हैं। मुक्का माला 59 रन बनाया, बैट फर्स्ट डिफेंशियल ले सकते हो, 24 का ओडीआई का एवरेज है, 17 मैच में 381 रन, बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे बट लास्ट मैच में अच्छा खेला, T20 में 52 भी था अनडाउटेडली, शायद ओपन करते हैं। वेन्यू में 5 इनिंग्स में 52 का एवरेज से 204, अच्छा ऑप्शन है स्पेशली बैट फर्स्ट। मिलिंद कुमार लास्ट मैच में 0 रन बनाए थे बट ये बैटिंग से 31 का ओडीआई है, बॉलिंग से बहुत ज़्यादा ओवर का गारंटी नहीं है बट ऐसा लग रहा है ओपोनेंट के पास अयान खान, फिर दोस्तों अली नसेर जैसे लिफ्टी बैटर है, अयान लिफ्टी है राइटी है, मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं अयान तो यहाँ का अयान राइटी है, तो ये भी टीम हेवीली लिफ्टी राइटी डोमिनेटेड है बट कुछ लिफ्टी प्लेयर है तो शायद आपको कुछ ओवर्स बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे, और स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो ज़्यादा अच्छा चॉइस है, कौन ये मिलिंद कुमार बैट फर्स्ट, क्योंकि इसका बैटिंग आएगा बड़ा स्कोर बना सकता है, 4 ओडीआई मैच में 125 रन ऑलरेडी है इसके पास, रिसेंटली ओडीआई में 9 रन 1 विकेट 47 रन 69 2 विकेट 0, अच्छा फॉर्म में।
शान जहांगीर 21 रन बैट फर्स्ट डिफरेंशियल ओडीआई 34 का एवरेज है, 16 मैच 442। टॉप ऑर्डर मिस कर रहे हो, छोड़ रहे हो तो बैट फर्स्ट डिफरेंशियल ले सकते हो। हरमीत सिंह 10 ओवर 1 विकेट, बढ़िया प्लेयर है, मस्ट बी प्लेयर होना चाहिए, कैप्टन का पूरा भरोसा है। लास्ट मैच में डेथ में बॉलिंग किया था, 4 ओडीआई मैच में 40 ओवर 5 विकेट, बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकते हैं, बैटिंग भी करना जानता है थोड़ा बहुत। जसदीप सिंह मस्ट बी प्लेयर है, 9 ओवर में लास्ट मैच में 1 विकेट, अच्छा बॉलर है, विकेट टेकर है, बट लास्ट मैच में टीम ने इससे डेथ में बॉलिंग नहीं कराया था, तो क्लियर कट है कि कैप्टन का जो सोच है वो थोड़ा सा अलग है। 27 ओडीआई मैच 30 विकेट, वेन्यू में 11 इनिंग्स 90 ओवर में 16 विकेट, ठीक ठाक रिकॉर्ड है इसका। केनजी के वेन्यू में 9 इनिंग्स 73 ओवर में 6 विकेट, खास नहीं है, लास्ट मैच में 10 ओवर में 1 विकेट, 2 मेडन के साथ, ओडीआई में 44 मैच में 44 विकेट। ये थोड़े से डिफेंसिव बॉलर है, अक्सर ओवरकट हो जाते हैं इसके। ड्रिसडेल ने इनका भी ओवरकट होता है, 6 ओवर में 2 विकेट डाला लास्ट मैच में और 6 ओवर में 2 विकेट निकाला, 2 ओडीआई मैच इससे पहले 13 ओवर 2 विकेट, समा विकेट मिल जाता है टी20s में, 3 विकेट 2 विकेट, टी20s 0 विकेट 1 1 1 ओडीआई में 1 विकेट मिल जाता है इसका, बट प्रॉब्लम है कि इसका ना ओवरकट हो जाते हैं, ओवर कंप्लीट नहीं करता है बंदा, डेथ करता तो ले लेता ड्रिसडेल का। सौरभ नेत्रावलकर इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, बॉलिंग फर्स्ट तो मस्ट पिक है, बॉलिंग बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर, 48 मैच में 73 विकेट, तगड़ा प्लेयर है, T20s और T20 वर्ल्ड कप इसका बहुत अच्छा गया, वेन्यू में 11 इनिंग्स 11 विकेट, बैक कर सकते हो। ओपनिंग बॉलिंग नेत्रावलकर ड्रिसडेल जैसे, डेथ में हरमीत नेत्रावलकर जैसे, देखो शैरिल वैंस स्कैल्विक खेलता है तो ओपोनेंट का मिडल ओवर में बॉल बैटिंग करना मुश्किल होगा, ये बंदा रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा था, ओडीआई में देखो 2 विकेट 4 विकेट 1-0 2 विकेट, T20 में 1-2-3, बहुत अच्छा तगड़ा फॉर्म से आ रहा है बंदा, खेलता है तो ले लेना, या KBC भी बना सकते हो। यासिर मोहम्मद 4 ओडीआई मैच में 4 विकेट 28 ओवर में, एंड्री गुस 57 मैच में 1800 प्लस रन, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, खेलता है तो ओपन करेंगे या फिर वन डाउन खेल लेगा। उत्कर्ष श्रीवास्तव अंडर 19 खेल के आ रहे, फिलहाल हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, शायद मैं अलाउ नहीं कर सकता। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, कुछ भी अपडेट आता है अगले मैच के कवरेज के साथ हम मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों। फिलहाल दोस्तों जो टीम बनेगा, देखो विकी में तो बहुत सिंपल है, एम पटेल लेना, स्मिथ पटेल ना ये विकी करेगा, टॉप में खेलेगा। जुनैद सिद्दीकी को अगर खेल गया ना तो दोस्तों रन बना सकता है, जवदुल्ला भी ठीक ठाक प्लेयर है, अगर बैट फर्स्ट होता है शायद मैं पटेल को ना लूँ, ना सजेस्ट करूँ, बट बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में होता है तो पटेल ले सकते हो। पिच में जो वो शाइन जो मुश्किल होता है ना बैटिंग करना, वो फर्स्ट इनिंग्स में पहला आधी घंटा शायद मैक्सिमम। वसीम मोहम्मद एज अ प्लेयर लेना ज़रूरी है, यहाँ से हम लोग चोपड़ा मुकुमला को नहीं लेंगे, जहांगीर फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, मुदानी डिफेंशियल ले सकते हो स्पेशली अगर टीम चेस कर रहा है क्योंकि ओपन आया। हरमीत सिंह ले लेते हैं कैप्टन चॉइस, वसीम अमित ले लेते हैं क्योंकि बॉलिंग करा सकता है, स्कैल्विक बहुत बढ़िया डिफेंशियल है खेलता है तो ले लेता, मिलिंद कुमार ले लेते हैं, आयन अफजल खान लेते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए नेत्रावलकर हमारे पास है, जुनैद सिद्दीकी एक विकेट टेकर है, किंजी के को ऐड कर सकते हो, और ड्रिसडेल कहाँ से ऐड हो गया, जे सिंह को ऐड कर सकते हो, ड्रिसडेल को ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा दोस्तों कश्मकश में हूँ, जसदीप को ले लेता हूँ क्योंकि कैप्टन चॉइस 9 ओवर डाला लास्ट मैच में, ये जो फाइनल प्लेयर है ना अगर बॉल फर्स्ट होता है यूएई का तो दोस्तों जसदीप जवदुल्ला के साथ जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने जस्ट नाम का वस्ते किंजी के को ले लिया, बट आफ्टर टॉस ये प्लेयर मैं कॉल करूँगा। फिलहाल KBC में दोस्तों मेरा आयन कैप्टन बन जाएंगे, वाइस कैप्टन एम कुमार, क्योंकि ओपनिंग के पास 2 लेफ्टी बैटर है, स्पेशली अगर बैट फर्स्ट होता है तो दोस्तों किसका या यूएसए का, यूएई ने बॉलिंग फर्स्ट किया तो ये विकेट टीम से कैप्टन आयन, और यूएसए का बैट फर्स्ट तो दोस्तों एम कुमार फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगा तो बैटिंग आएगा वाइस कैप्टन। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, कुछ भी अपडेट आता है अगले मैच के कवरेज के साथ मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों।